सो फ्रेंड्स, योर शेफ राघव इज बैक विथ अ न्यू एंड अमेजिंग रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने वाला हूँ ओरियो पुडिंग, जिसमें मुझे अकम्पनी करने वाली है मेरी सिस्टर प्रिशा। तो हम साथ मिलके ढेर सारी मस्ती भी करेंगे और आप लोगों के लिए एक मस्त वाली रेसिपी भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना ओरियो पुडिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया है, जिसे मैं ऐसे खोलूँगा और अब मेरी सिस्टर को मैं बोलूँगा, वो उसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ के उसे एक बाउल में डालेगी। देखिए, आप लोगों को पता है मेरी सिस्टर को भी बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो हम साथ में ढेर सारी मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे हमारी रेसिपी भी। देखिए, तो हमें बिस्किट को ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ना है, हमें क्रीम के साथ ही इसे तोड़ना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, साथ ही ये बहुत ही यमी टर्न्ड आउट होती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसका प्रेजेंटेशन बहुत इजी भी है। देखिए हम लोग कैसे मस्ती करते हैं। तो लड़ते झगड़ते हम एक बहुत ही मस्त रेसिपी भी बनाएंगे। इसके बाद हम करेंगे मैजिक। यस, मैजिक से हो गया है हमारा ये रेडी। और देखिए अब हम क्या करेंगे, हम हमारी आइसिंग जो हमने रेडी कर रखी थी उसमें चॉकलेट सिरप मिलाएंगे और उसे चॉकलेटी बनाएंगे। ये सिंपल आइसिंग है जो हम केक पर भी करते हैं, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम तो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। हमें इसमें ढेर सारा चॉकलेट सिरप मिलाना है और उसे ऐसे रेडी करना है, एंड इट्स डन। अब हम दो ग्लासेस लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, उसमें हम ये हमारा बनाया हुआ आइसिंग वाला डालेंगे नीचे, क्रीमी सिरप, और आप अगर वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या डायरेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केक वाला आइसिंग लिया है, अब प्रिशा डालेगी। देखिए मैं आराम करूँगा, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हम लोग बनाते बनाते इसे टेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इसमें हमारे सभी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो ओरियो का पाउडर फॉर्म में उसको ब्रेक किया था, वो ओरियो बिस्किट हम डालेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम आइसिंग के ऊपर डाल रही है ओरियो बिस्किट, द क्रश्ड ओरियो बिस्किट। ये लाइट डार्क जो कलर कॉम्बिनेशन भी आएगा, ये भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लस ये बहुत टेस्टी होता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे और डेकोरेट। जी हाँ, अब हम आइसिंग करेंगे इसके ऊपर। ये सिंपल केक वाली आइसिंग ही है, एंड ये तो बहुत हार्ड हो गई है, सो मम्मा विल हेल्प अस। इतनी मेहनत के बाद हमारा फाइनली पुडिंग रेडी हो गया है। अपना पुडिंग उठाओ हाथ में, देखो स्माइल करो स्माइल करो।